दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ मॉस्फेट के सिलेक्शन के बारे में कि अगर आप कोई भी सर्किट डिजाइन करते हो मॉस्फेट का यूज करके, तो आपको मॉस्फेट के कौन कौन से इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स आपको ध्यान देने पड़ते हैं ताकि आपकी सर्किट प्रॉपर तरीके से काम करे और डैमेज होने के चांसेस बिल्कुल ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स की मैं बात करता हूँ तो VDS, जिसे हम ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज कहते हैं, मतलब आप कितना मैक्सिमम अलाउएबल आप वोल्टेज अप्लाई कर सकते हो ड्रेन टू सोर्स पे ताकि आपका मॉस्फेट जो हो वो खराब ना हो। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये पहला पैरामीटर जिसे हम VDS बोल रहे हैं, ये 60 वोल्ट आपको मैक्सिमम वोल्टेज देखने को मिलेगा। तो मतलब इतने वोल्ट तक VDS की वैल्यू, अगर इतने वोल्ट तक आ रही, मतलब VD-VS अगर इतने वोल्ट तक है तो आपका MOSFET बिल्कुल अच्छी तरीके से काम करेगा। ठीक है, अब दूसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर कि आप गेट टू सोर्स, जो गेट टू सोर्स आप वोल्टेज अप्लाई करते हो कितना मैक्सिमम और मिनिमम वोल्टेज अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो -20 मिनिमम है और 20 वोल्ट मैक्सिमम यहाँ पे वोल्टेज दे रखा है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ ड्रेन करंट, अब मतलब कितना कंटिन्यूअस करंट फ्लो करवा सकते हो ड्रेन टू सोर्स, राइट। तो ड्रेन टू सोर्स आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप VGS की वैल्यू 300 मिली एम्पियर करंट फ्लो करवा सकते हो। ठीक है, तो जब मॉस्फेट ऑन हो जाएगा तो यहाँ पे एक स्मॉल रेजिस्टेंस बनता है, राइट। ये जो रेजिस्टेंस होता है, इसी को हम RDS ऑन कहते हैं। इस RDS ऑन की वजह से क्या होता है ना कि कंडक्शन लॉस होता है। कंडक्शन लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं, I² मतलब ID का स्क्वायर कर दो जो करंट ड्रेन टू करंट फ्लो करेगा, मल्टीप्लाई विथ RDS ऑन। जब ये मेरा मॉस्फेट कंटिन्यूअस ऑन रहेगा तो इसके वजह से क्या होता है, पावर लॉसेस होता है। तो पावर लॉसेस को कम करने के लिए हमें वो मॉस्फेट सेलेक्ट करना पड़ता है जिसका RDS ऑन बहुत कम हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, आपको ये ध्यान रखनी है। ठीक है, अब इसके कुछ और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स में बात करता हूं। तो तीसरा, जो ब्रेक डाउन वोल्टेज आप देख सकते हो, ड्रेन टू सोर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज। अब ब्रेक डाउन वोल्टेज ना, आपको मैंने बताया था कि VDS की वैल्यू 60 वोल्ट मेंशन करा था, 60 वोल्ट मैक्सिमम, मतलब ये मैन्युफैक्चरर कमिट करता है कि 60 वोल्ट तक आपका जो मॉस्फेट है ना वो अच्छे से ऑपरेट होगा। लेकिन उससे ज़्यादा अगर आप वोल्टेज जाते हो लाइक 65-70, तो हमारा क्या होता है, ये मॉस्फेट जो है ना ये खराब होने के चांसेस रहते हैं, राइट। आप 250 माइक्रो एम्पियर तक और 60 वोल्ट 65 वोल्ट, मतलब जितने जितने वोल्टेज पे इतना आपको लाइक करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप उस टाइम पर समझ लेना कि वो आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज है। ठीक है, तो आप ब्रेकडाउन वोल्टेज तक बिल्कुल ऑपरेट नहीं करवाना है आपको, मिनिमम मतलब मिनिमम 60 वोल्ट तक, मतलब मैक्सिमम 60 वोल्ट तक अप्लाई कर सकते हो, उसके ऊपर मतलब रिस्क रहता है कि मॉस्फेट खराब हो जाए। ठीक है, अब दूसरा एक इंपॉर्टेंट और फैक्टर होता है जिसे हम गेट सोर्स थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहते हैं, मतलब आप गेट पे कितना मिनिमम वोल्टेज अप्लाई करोगे कि मेरा जो मॉस्फेट है ना ये टर्न ऑन हो जाए और यहां से करंट स्टार्ट हो जाए फ्लो करना ड्रेन टू सोर्स। तो ये मिनिमम वोल्टेज यहां पे देख सकते हो कि 1.1 से 2.1 वोल्ट तक दे रखा है, तो मिनिमम 1.1 वोल्टेज आपको अप्लाई ही करना पड़ेगा। हो सकता है किसी मॉस्फेट पे 1.5-1.6 वोल्टेज पे ये मॉस्फेट टर्न ऑन हो और करंट स्टार्ट हो जाए फ्लो करना, तो ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हो जाता है। अब एक चीज यहां पे लिखा है ड्रेन लीकेज करंट, अब लीकेज करंट भी आपको बहुत कम होना चाहिए, राइट। अब यहां पे देख सकते हो, यहां पे कंडीशन क्या मेंशन किया है, VGS बराबर 0 एंड VDS बराबर 60 वोल्ट। तो VGS मतलब ये जो आप बोल्ट यहां पे बेसिकली ये ओपन कर रखा है, मतलब यहां पे आप कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं कर रहे हो। तो उस केस में क्या होता है, मैक्सिमम अगर 60 वोल्ट आप यहां पे अप्लाई करते हो, यहां पे मान लो मिनिमम ड्रॉप हुआ लाइक 0.5 ऐसे ड्रॉप हुआ है, मतलब डायरेक्टली आप 60 वोल्ट यहां पे अप्लाई कर रहे हो ड्रेन पे, तो उस केस में कितना लीकेज, मतलब कितना करंट यहां से ड्रेन टू सोर्स फ्लो करेगा जिसे हम लीकेज करंट, गेट लीकेज करंट दिख जाएगा। ठीक है, गेट लीकेज करंट लाइक वोल्टेज के अकॉर्डिंग यहां पे चेंज होती रहेगी। देख सकते हो यहाँ पे 20 वोल्ट है तो उस केस में 2 माइक्रो एम्पियर, तो उस केस में क्या है, गेट लीकेज करंट अगर आपको चेक करना है, मतलब यहां से कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो यहां का जो वोल्टेज है VDS बराबर 0 कर दो, यहां पे वोल्टेज आप इंक्रीज करते जाओ, मैक्सिमम 20 वोल्ट है, तो 20 वोल्ट पे आपको मैक्सिमम यहां पे करंट लीकेज करंट 2 माइक्रो एम्पियर दिया है, जो कि बहुत ही कम होता है इससे। ये तो मैक्सिमम दिया लाइक 0.0001 आपको देखने को मिलता, तो बहुत कम करंट फ्लो करता है गेट टू सोर्स, तो ये चीज आपको ध्यान रखना। तीसरा इंपॉर्टेंट, जो काफी इंपॉर्टेंट होता है लॉसेस के केस में, लाइक पावर लॉसेस हमें बहुत कम रखना है जब भी आप कोई भी मॉस्फेट ऑपरेट करवाते हो। तो यहां पे देख सकते हो कि आप जब VGS की वैल्यू 10 वोल्ट लेते हो और ID करंट 10 मिली एम्पियर फ्लो करता है, तो उस केस में क्या है, यहां पे टिपिकल 3
ओम दिया है 4.5 ओम दिया है मैक्सिमम, तो ये ओम में, जबकि ओम में बहुत कम, हमें ओम में सिलेक्शन ही नहीं करना पड़ता है, हमें मिली ओम का, लाइक अगर आपकी सर्किट बहुत इफिशियंट आपको ऑपरेट करवाना है मॉस्फेट को, तो हम मिली ओम रजिस्टर लाइक सेलेक्ट करते हैं कि आरडीएस ऑन हमारा जो है मिली ओम में है, राइट। यहाँ पे तो रजिस्टेंस की वैल्यू काफी ज्यादा है, तो यहाँ पे पावर लॉसेस ज्यादा होंगे। तो ये आरडीएस ऑन निकालने का तरीका अगर मैं बात करता हूँ, तो आरडीएस ऑन अगर मैं कंडक्शन मोड में ऑपरेट कराता हूँ, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो वोल्टेज ड्रॉप आपको उसके बाद आईडी करंट, जो करंट आप फ्लो करवा रहे हो, इससे आप क्या आ जाएगा, आपको आरडीएस ऑन कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये बेसिक तरीका होता है आरडीएस ऑन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसकी जो है रेजिस्टेंस वैल्यू हमें बहुत कम लेनी पड़ती है जब मॉस्फेट में जो दिया रहता है, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हो गए जो कि मॉस्फेट के हमें कंसीडर करने चाहिए जब हम नॉर्मल कंडक्शन मोड में हम मॉस्फेट को ऑपरेट करवाते हैं, राइट। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ये हो जाती हैं जब हम मॉस्फेट की टाइम में वो कितना है, मतलब कितना जल्दी हमारा मॉस्फेट जो है ऑन हो जा रहा है, इसका राइज टाइम क्या है, मतलब कितने टाइम में ये जो है ना 10 to 90% अप्रोच कर जा रहा है, ठीक है। बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ तो लाइक अगर मेरा ये जैसे वेब फॉर्म है, तो ये बेसिकली ऐसे करके कुछ वेब फॉर्म आता है, तो 10 to 90% पहुंचने में कितना इसको टाइम लगता है, बेसिकली राइज टाइम हो जाता है। सिमिलरली आपको टर्न ऑफ टाइम देखने को मिल जाएगा, फॉल अप टाइम, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं जब हम स्विचिंग कराते हो, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ये होते हैं लाइक इनपुट कैपेसिटेंस, आउटपुट कैपेसिटेंस, और ये रिवर्स ट्रांसफर कैपेसिटेंस। तो इनपुट कैपेसिटेंस हमें जितना कम हो उतना बढ़िया होता है, इसलिए क्योंकि जो हमारा कैपेसिटेंस की वैल्यू कम होगा, राइट, तो बहुत कम करंट हमें चाहिए होगा ताकि हमारा कैपेसिटर तुरंत चार्ज हो जाए। अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, तो हमें कम टाइम में अगर उसको चार्ज करना है वेरी फास्टली, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें बहुत ज़्यादा करंट देना पड़ेगा, उसके लिए हमें गेट ड्राइवर आईसी का यूज़ करना पड़ेगा, राइट। तो इसमें मैंने डिटेल में एक वीडियो बना रखा, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा, मॉस्फेट की स्विचिंग को पूरा डिटेल में बताया और कितना करंट चाहिए होगा, कितनी कैपेसिटेंस की वैल्यू होनी चाहिए, उन सब के बारे में हमें डिटेल में डिस्कस कर रखा है। और यहाँ पे एक और पैरामीटर होता है टोटल गेट चार्ज, तो टोटल गेट चार्ज से हम क्या करते हैं कि करंट पता करते हैं कितना करंट फ्लो करेगा, राइट, कितना करंट हमें चाहिए होगा ताकि मेरा जो कैपेसिटर है यहाँ पे जो कैपेसिटेंस बनता है बेसिकली वो कितना कितना करंट हमें चाहिए होगा कि ये तुरंत चार्ज हो, तो आई बराबर क्यू बाई टाइम, तो टर्न ऑन टाइम से हम चार्ज को टर्न ऑन टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमें करंट मिल जाएगा, उतना करंट हमें अप्लाई करना पड़ेगा तभी जाके हमारा मॉस्फेट टर्न ऑन होगा। तो इसलिए ये जो चार्ज है, गेट चार्ज, ये कैपेसिटेंस की वैल्यू ये बहुत कम होना चाहिए ताकि मेरा जो मॉस्फेट है तुरंत चार्ज हो जाए और ये तुरंत हमारी जो स्विचिंग यहाँ पे और होता लाइक पीक करंट जिसे हम बोलते हैं कि कितना मैक्सिमम अगर ये पीक करंट आएगा जिसकी जो पल्स ड्यूरेशन है पल्स भी 10 माइक्रो सेकंड से अगर कम है तो ये कितना करंट झेल सकता है 760 मिली एम्पियर ये पीक करंट झेल सकता है, राइट। तो ये मॉस्फेट का पीक करंट होता है क्योंकि पीक करंट अचानक से कोई करंट फ्लो करता है तो उससे हमारा मॉस्फेट डैमेज ना हो इसलिए पीक करंट का भी डेटा दिया रहता है। अब ये टोटल पावर डिसिपेशन भी आपको देख सकते हो 25 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या रखा है 265 बढ़ता है ना, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होता है कि मेरा जो आरडीएस ऑन की वैल्यू है ना वो बढ़ने लगती है, आरडीएस ऑन बढ़ने लगता है तो पावर लॉसेस ज्यादा होने लगते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब हाई टेम्परेचर में आप ऑपरेट करवा रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको हीट सिंक वगैरह लगानी पड़ती है ताकि जो हमारा लाइक मॉस्फेट है ना वो पावर आसानी से डिसिपेट कर सके। टेम्परेचर वर्सेस आरडीएस ऑन का ग्राफ है, ठीक है। तो जैसे जैसे यहाँ पे टेम्परेचर आपका बढ़ेगा ना, ये देख सकते हो ये जो है ना इसका आरडीएस ऑन बढ़ रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट लाइक इसके ग्राफ होते हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए जब भी आप कोई मॉस्फेट देखते हो। यहाँ पे भी देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे जैसे आप बीडीएस बढ़ाते हो तो क्या होता है कि ये जो करंट है ना, करंट हमारा जाके एक पॉइंट पे सेचुरेट हो जाता है, क्योंकि जो करंट होता है बेसिकली गेट सोर्स पे जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं उस पे उससे ज़्यादा इफेक्ट होता है। जबकि आप अगर गेट सोर्स वोल्टेज कॉन्स्टेंट रखते हो और वीडीएस की मतलब ड्रेन की वोल्टेज बढ़ाते जाते हो तो आपको जो करंट देखने को मिलता है एक पॉइंट पे जाके वो सेचुरेट हो जाएगा, पहले नहीं ये ग्रो करेगा फिर ये जाके सेचुरेट हो जाएगा। जैसे आपने वीजीएस बढ़ा दिया, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे करंट बढ़ गया, तो ये वीजीएस पे ज़्यादा डिपेंडेंट होता है, एक्सपोनेंशियली ये ग्रो करता है। ये ग्राफ में आपको मैं ये बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देख सकते हो वीजीएस की वैल्यू कम है ना, यहाँ पे वीजीएस की वैल्यू कम है तो आरडीएस ऑन की वैल्यू ज़्यादा। ऐसा क्यों? क्योंकि वीजीएस जब आप पूरा अप्लाई करोगे तो चैनल क्रिएट होता है ना, जो चैनल पूरी तरीके से क्रिएट हो जा रहा है, जैसे जैसे आप वीजीएस की वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो जो कंडक्शन पाथ बनता है ना वो चैनल पूरी तरीके से क्रिएट हो जा रहा है ड्रेन टू सोर्स, और करंट स्टार्ट हो जा रहा है फ्लो करना, जबकि वीजीएस की वैल्यू आप कम रख रहे हो
जब VGS की वैल्यू कम है तो ये चैनल जो बंद क्रिएट होता है ड्रेन टू सोर्स, वो चैनल पूरी तरीके से क्रिएट नहीं हो पाता, इसलिए यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको हाई देखने को मिले और यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम देखने को मिले इस पॉइंट। अब ये कुछ पिन कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूँ, तो जो कोई भी MOSFET अगर आप सेलेक्ट करते हो तो MOSFET की डेटा शीट में आपको पिन कॉन्फ़िगरेशन दी रहती है, कौन सी पिन इसकी गेट है, ड्रेन है और कौन सी पिन सोर्स है, ठीक है। और इसके डिफरेंट पैकेजेस होते हैं लाइक SOT23, ये तीन मतलब SMD कंपोनेंट्स भी आते हैं इसके और थ्री होल भी कंपोनेंट आते हैं। ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स आपसे डिस्कस कर लिया ताकि आपको थोड़ा सा MOSFET के सिलेक्शन के बारे में आइडिया लग जाए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।